अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज पॉइंट। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स स्टार्ट समर पैक ऑफ क्लास फोर एंड द बुक इज साइंस। साइंस का समर पैक स्टार्ट करने लगे हैं। ये पहले मैथ का सॉल्व हुआ है। ये लें जी, यहाँ से हो गया है साइंस का समर पैक स्टार्ट। दिस इज़ आ फर्स्ट पेज, लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। फ्रॉग का लाइफ साइकिल आपने ड्रॉ करना है। यहाँ से हेल्प लेनी है। सबसे पहले क्या आएगा, एग्स होंगे, देन टैडपोल, देन आएगा टैडपोल विद लेग्स, फिर आएगा फ्रॉगलेट, फिर यंग फ्रॉग एंड सिक्स वाला अडल्ट फ्रॉग। देन आपने यहाँ पर इनको बनाना है, यहाँ से स्टार्ट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इनको बहुत प्यारा सा आपने ड्रॉ कर लेना है। दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। सर्कल द हेल्दी फूड, सर्कल करना है हेल्दी फूड को। यहाँ पर से नीचे से जंबल वर्ड्स हैं, इनको आपने सर्कल करना है। वाटर इज़ नीडिड फॉर सेवरल रीजंस, कैन यू राइट सम ऑफ देम। वाटर हम किस किस के लिए यूज़ करते हैं, पर्पस आपने बताने हैं, वो आप यहाँ पर बताएंगे। ड्रिंकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, उसके अलावा है इलेक्ट्रिकल, एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, और बाथिंग के लिए, शॉवरिंग के लिए, बाथिंग के लिए। देन है लुक केयरफुली एट द पिक्चर इन द बॉक्स नेक्स्ट टू ईच ऑफ देम। पुट अ पी इफ इट इज़ अ प्रोड्यूसर, पुट सी इफ इट इज़ अ कंज्यूमर, पुट डी इफ इट इज कंपोजर। एंड ऑर्गेनिज्म स्पेशली एज सॉइल बैक्टीरियम, फंजाई एंड आर इनवर्टिब्रेट डैट कंपोजिज ऑर्गेनिक मटीरियल। आपने इनको देखना है, आप पिक्चर्स में चेक कर लेंगे कि कौन कौन सा प्रोड्यूसर है, कौन सा कंज्यूमर है, कौन सा डीकम्पोजर है। इनके एब्रिवेशन यूज़ हुए हुए हैं, आप उसके अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉ आ फूड चेन। फूड चेन ड्रॉ करनी है। डेट शो हाउ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड थ्रू फूड। लेबल द प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर। आपने इस ये देखें, यहाँ से आप स्टार्ट कर लें। ये प्रोड्यूसर है, ये ग्रास है, ये ग्रास हपर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये माइस है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये फंजाई है, ये कंज्यूमर है, उसके अलावा ये फूड चेन और ये स्नेक है, ये टर्शरी कंज्यूमर है। आपने फूड चेन ड्रॉ करनी है। कोई भी आप फूड चेन लेके उनको ड्रॉ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू पीपल। एनर्जी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एन एनिमल सर्वाइवल। एनर्जी क्यों ज़रूरत होती है। ऑल प्लांट्स यूज सनलाइट टू मेक फूड इन अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। दिस स्टार्ट द फूड इन देयर लीव्स एंड द एनर्जी फ्लोज द अदर एनिमल्स। एनिमल नीड एनर्जी टू कैरी आउट ऑल द बॉडी प्रोसेसेस रिक्वायर टू मेंटेन लाइफ विदाउट एनर्जी। एनिमल इज अनएबल टू मूव द डाइजेस्ट इज फूड टू रिप्रोड्यूस टू ग्रो आर इवन टू ब्रीथ। मैं इसको ज़रा क्लोज कर रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देन है नेक्स्ट, नेम एनी टू एनिमल्स दैट, जो क्लाइंब करते हैं, मंकी, कैट, क्रॉल, स्नेक, एंट। यहाँ पर अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो आपने परेशान नहीं होना। डिग रैबिट, डॉग, फ्लोर, ट्राइनासॉर्स, डॉग, फ्लाई, क्रॉ, क्रो, पैरट, ग्लाइड, बैट, स्क्विरल, जंप, ग्रासहॉपर, मंकी, रन, लाइन, टाइगर, फिश, ऑक्टोपस। देन है लिविंग थिंग्स अडॉप्ट टू सूट द एनवायरनमेंट। बिलो आर सिक्स एनवायरनमेंट्स एंड सिक्स लिविंग थिंग्स। विच लिविंग थिंग्स सूट्स विच एनवायरनमेंट, कनेक्ट देम बाय ड्राइंग लाइंस। लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर इनको देख लें किसके साथ कौन सी ड्रॉ है, आपने इसको ड्रॉ कर देना है। माउंटेन पे कौन से रहते हैं, अंडरग्राउंड कौन से रहते हैं, रेन फॉरेस्ट में कौन से रहते हैं, आर्कटिक में कौन से रहते हैं, आपने इनको चेक कर लेना है। ओके, सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल। सॉल्व करने हैं, ये देखें यहाँ पर नंबर्स ऑलरेडी मेंशन है, आप यहाँ से भी इसकी हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर इनके आंसर में साथ साथ लिखे हैं, इसलिए भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। दिस इज़ अनदर नेम फॉर वाइंड पाइप, ट्राचिया। ब्लड विदाउट ऑक्सीजन इज पम्प्ड फ्रॉम द लेफ्ट आर्ट्रियम इनटू द लेफ्ट वर्टिकल। अनदर नेम फॉर इंटेस्टाइन इज बॉल्स। योर लंग्स एक्सपेंड व्हेन यू ब्रीथ इन।
ये देखें ये 10 है ना, तो आपने यहाँ वहाँ से ढूंढना है 10 वाला कहाँ पर, और 10 वाले पे लिख देना है आपने सेरेबेलम स्मॉलर, कार्बन डाइऑक्साइड लार्जर, रिब केज सेरेब्रम हार्ट शॉर्टर, लंग्स ब्रेन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देन इनको यहाँ पर इसके अंदर फिट कर दें। मैश बोन्स टू द ऑर्गन्स दैट दे प्रोटेक्ट, ऑर्गन्स जो प्रोटेक्ट करते हैं इनको, जो प्रोटेक्ट करते हैं आपने उसके साथ इनको मैच कर देना है। आइडेंटिफाई एंड ड्रॉ द आइटम्स इन करेक्ट कॉलम गिवन इन द नेक्स्ट पेज। सॉलिड में यहाँ पर आपने बेनिफिट फ्रॉम माय वीडियो कर दी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आप ये किसकी हेल्प से ड्रॉ करेंगे, यहाँ से, यहाँ पर देखें साथ ही बच्चे ने सॉलिड लिक्विड गैस ये भी लिख दिया है, आपके लिए ईजी होगा, यहाँ से देखें उनको वहाँ ड्रॉ कर लेना। रीड द यूनिट 6 मैटर एंड मटीरियल, यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट बता रही हूँ। साल्ट डज इट डिजॉल्व, यस। शुगर, यस। ऑयल, नो। सैंड, नो। बेकिंग पाउडर, यस। फ्लोर, नो। राइस, नो। एंड बीट्स, नो। नेक्स्ट है डिफरेंट फूड कंटेन्स डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, व्हाट डू द फॉलोइंग फूड्स कंटेन, हाउ आर दे बेनिफिशियल फॉर आवर बॉडी, कैन इट बी हार्मफुल, व्हाट डज इट कंटेन। बर्गर में क्या होता है, कुक पैटीज ऑफ मीट बन चीज स्लाइस लेटिस। उसके बाद है बेनिफिट क्या है, इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन आयरन फॉस्फोरस। हार्मफुल इफेक्ट क्या है, इट कंटेन फास्ट कैलोरीज, इट कैन कंट्रीब्यूट टू वेट गेन। सैंडविच के बारे में बताना है, वेजिटेबल स्लाइस चीज आर मीट स्लाइस ऑफ ब्रेड लेटिस। बेनिफिट्स हैं लो फैट कैल्शियम रिच फाइबर रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। हार्मफुल क्या है, ब्लड फ्लो इन द आर्टरीज इन स्लोएट। चीज के बारे में आपने बताना है, व्हाट डज इट कंटेन, हाई अमाउंट ऑफ विटामिन ए एंड बी 12, इट इज़ अ की न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ। इट इज़ टिपिकली हाई इन सैचुरेटेड फैट एंड कैलोरीज। यहाँ पर वेजिटेबल सैलड के बारे में है, लेटस ककंबर टोमेटो ऑलिव ग्रेन्स कैरेट ऑनियंस। नेचुरल सोर्स ऑफ फाइबर, गुड फॉर वेट कंट्रोल। आपने स्पेलिंग को लेके परेशान नहीं होना, आप अपने स्पेलिंग यूज़ कर सकते हैं। इट काज फूड रिलेटेड इलनेस। स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक के बारे में है यहाँ पर, मिल्क फैट एंड नॉन फैट मिल्क शुगर हाई फ्रूटियंस कॉर्न सिरप पैक्ड विद विटामिन फाइबर एंड हाई लेवल एंटीऑक्सीडेंट। हार्मफुल इफेक्ट इसका कोई भी नहीं होता। व्हाट डज इट कंटेन, हाइड्रोसाइक्लिक एमाइनिस एंड पॉलीफिलिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। बेनिफिट्स हैं लेस फैट है, वेजिटेबल ऑन द स्पी ग्रिल आर बेटर, कैंसर काजिंग कंपाउंड्स फॉर्म, कैंसर की कॉज होती है। चेक योर पल्स रेट, आपने अपनी पल्स रेट चेक करनी है, फिर आपने बतानी है कि पल्स रेट पर मिनट आपकी चेंज होती है या एक जैसी रहती है, वो आप बता देंगे। मटीरियल यू विल नीड 70, 75 and 5। हाउ डिड यू फील बाय द एंड ऑफ ईच एक्सरसाइज, व्हाट डू यू थिंक वी नीड एक्सरसाइज। आई फील थर्स्टी आफ्टर एक्सरसाइज, वी नीड एक्सरसाइज टू रिमेन हेल्दी। एक्सरसाइज हेल्प टू लूज फैट एंड वेट। ड्रा द लाइफ साइकिल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लाइफ साइकिल ड्रॉ करना है। ऑक्सीजन कैसे, इट्स मीन कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला आप कर सकते हैं। व्हाई इज ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स। ऑक्सीजन हेल्प्स ऑर्गेनिजम्स ग्रो रिप्रोड्यूस एंड टर्न फूड इनटू एनर्जी। ह्यूमंस गेट द ऑक्सीजन दे नीड बाय ब्रीथिंग थ्रू देयर नोज एंड माउथ इनटू देयर लंग्स। ऑक्सीजन गिव्स आवर सेल्स द एबिलिटी टू ब्रेक डाउन फूड इन ऑर्डर टू गेट द एनर्जी वी नीड टू सर्वाइव। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लांट्स एंड देन ड्रॉ इल लाइन्स टू कनेक्ट द फंक्शन। यहाँ पर आपने बता देना है, फ्लावर प्रोड्यूस सीड्स विच फॉर्म अ न्यू प्लांट, द रूट्स ऑब्जॉर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द ग्राउंड, द स्टेम ट्रांसपोर्ट्स वाटर ऑफ द प्लांट, इट ऑल्सो सपोर्ट्स द लीव्स एंड फ्लावर्स। लीफ इज अ प्लेस वेयर फूड इज प्रोड्यूस्ड। आप इनको लाइन लगा के भी बता सकते हैं कि ये देखें जैसे ये लीफ है, ये फ्लावर है, ये रूट्स हैं, ये स्टेम है।
आप इस तरह भी इसको बता सकते हैं। यू ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, आप कौन सा पार्ट इसका ईट करते हैं, इसके सीड्स ईट करते हैं या फ्रूट को ईट करते हैं, फ्रूट, फ्लावर, फ्लावर, लीव, रूट्स, स्टेम, सीड्स, रूट्स, लीव, फ्लावर, सीड्स एंड लीव्स। सर्कल द क्रैक, सर्कल भी कर सकते हैं और टिक भी कर सकते हैं, नो इशू। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज कंट्रोल्ड बाय द फ्रंटल लॉब। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द सेरेब्रम। हाउ मेनी टाइम्स इज द हार्ट बीट इज अ मिनट, 80। व्हाट हैपन्स व्हेन द आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट इन द हार्ट। ब्लड विदाउट ऑक्सीजन इज पम्प फ्रॉम द हाई आर्ट्रियम टू द राइट वेंट्रिकल। द लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय, आई स्किप दिस वन। What happens when you breathe in? Carbon dioxide is released. The intestines help to break down food. The intestines are part of the digestive system. When muscles contract, they become shorter. Water is made for oxygen and hydrogen. Animals that get energy from animals that eat plants are known as secondary consumers. Which gas do plants absorb? Plants ko kaun se karte hain? Which part of the human body is also a muscle? The heart. Which features help a polar bear to survive in a cold climate? Thick fur. The process by which animals reproduce by themselves is called asexual reproduction. Which of the following are rich in the vitamin C? Orange. And which of the following is not rich in carbon dioxide? Ray fish. Carbohydrates. Which part of the body carries the most germs? Hands. Balancing act hai. इसका मैं जस्ट आपको आंसर राइट करवा देती हूँ। राइस प्रोटीन के लिए यूज़ होता है, उसके बाद बॉइल्ड पोटैटो, कार्बन डाइहाइड्रेट्स होते हैं इसमें, कार्बन चिकन स्लाइस होते हैं इसमें प्रोटीन होता है, कैरेट होता है इसमें विटामिन ए होता है, राइस होता है इसमें प्रोटीन होता है, कैबेज में विटामिन होता है। क्रॉस द वर्ड पजल, यहाँ पर वर्ड पजल आपने बताना है। क्लोरोफाइल का आंसर है 3 वाले का 4 वाले का है। ट्रांसपायरेशन, फिर प्रोसेसेस, स्टेम, ट्रांसपायरेशन, जाइलम, लीव्स, रिंग्स, स्टोमेटा एंड पोलन। यू कैन स्किप दिस टॉपिक। एक्टिविटी नंबर 21 एंड दिस इज द लास्ट। व्हाट वाज योर कंक्लूजन ऑफ दिस एक्टिविटी। वी कैन हियर द वाइब्रेशंस थ्रू द बलून एंड कैन फील देम। It means sound is created when an object moves and the air around it variates, creating the sound waves. Make a project. ये project work है। My mother not agree to give me material. उसकी मामा। If you get benefit from my videos, please like, share and subscribe my channel.